तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में, और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। आपके लिए बाबू काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। क्यों ज़रूरी होना है? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर इस क्वेश्चन को आप मिस करेंगे तो समझिए कि आपने 10 नंबर गंवा दिया, और आपको वो गंवाना नहीं है क्योंकि 100 में 100 लाना है। तो ये बिना देर के इस क्वेश्चन को देखते हैं। आखिर बड़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक टीवी टावर है। क्या है? एक टीवी टावर है, मतलब एक टावर समझते हैं ना, बस उतना ही जाने कि एक टावर है। नीचे से एक टावर लगा हुआ है, और ये कहाँ लगा हुआ है? तो एक समुद्र है। क्या है? समुद्र है। समुद्र के एक तरफ टावर लगा हुआ है, यहाँ पे एक तरफ टावर लगा दिए। अब मान लो कि समुद्र के एक तट के किनारे, तट मतलब होता है समुद्र का जो किनारा वाला हिस्सा होता है ना, उसको तट बोलते हैं। उसके एक किनारे पर टावर लग गया, और दूसरे किनारा से अगर तुम नीचे से यहाँ देख रहे हो तो यहाँ एक उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देखिएगा ना, तो नयन को ऊपर कर रहे ना, तो उन्नयन कोण बना रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? उन्नयन कोण, जो कि कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये तो कंफर्म हो गया। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। उसके बाद से क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले टावर की ऊंचाई भी दिया होगा, यहाँ बोल रहा है ये कुछ नहीं दिया, टावर की ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं दिया। अब कह रहा है कि ठीक यहां से 20 मीटर दूर, क्या बोल रहा है? यहीं से तट एक किनारा, देखिए बीच में नदी बह रहा है, एक तरफ टावर है और दूसरी तरफ आदमी अगर खड़ा होकर देख रहा है तो उन्नयन कोण बना रहा है। आप बताइए कि आप अभी यहां खड़े हैं और ऐसे देख रहे हैं, जब आप पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा सर नीचे करेंगे ऊपर वाले हिस्से को देखने के लिए, और जैसे जैसे आगे जाएंगे सर को ऐसे ऊपर कर जाएंगे, बाप रे बाप इतना ऊंचा है। जब ज़्यादा पास चले जाइएगा ना तो सर को ज़्यादा उठाना पड़ता है, और दूर जाइएगा तो सर ऐसे ही नॉर्मली देख सकते हैं। अच्छा हाँ ये बात है, ऐसा हो सकता है। अब ये यहाँ से 20 मीटर पीछे जाता है, क्या हो रहा है? पीछे जा रहा है। अब यहाँ से अगर यहाँ से उन्नयन कोण नीचे से अगर बना रहा है ऊपर, नीचे से ले चल रहे हैं, कहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, ऊपर से खींच देते हैं, ठीक है। ऐसे तो यहाँ अब 30 डिग्री का हो जा रहा है, यहाँ से 20 मीटर पीछे गया है। कितना मीटर? 20 मीटर पीछे गया। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि ये टावर की ऊंचाई वगैरह पूछ सकता है कि टावर की ऊंचाई कितना है, या फिर इसके बीच की दूरी भी पूछ सकता है कितना है। तो दोनों हम लोग निकालेंगे, काहे टेंशन लेते हैं। टावर की ऊंचाई यानी कि हमको अगर निकालना हो कि ये कितना एच है, जो कितना ऊँचा है टावर, तो चलिए ना आपको एक चीज़ बता चुके हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस दो ठो त्रिभुज बना, एक बना लेना है आपको ए बी सी डी। इसमें बस एक छोटा वाला त्रिभुज लीजिए और एक बड़ा पूरा वाला, जितना पूरा एक लेते हैं और एक छोटा वाला लेते हैं, ठीक। और बस दोनों को 10 थीटा लगा के निकाल लीजिएगा। आखिर 10 क्यों? क्योंकि हमको लंब आधार से मतलब है, बीच वाले कर्ण से मतलब नहीं है। तो एक बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले मान लो यहाँ पे माना कि टावर की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या मान लेते हैं हम, ऊंचाई बराबर में हो गया, एक सिंपल है। उसके बाद जब टावर की ऊंचाई को n मान लिए तो अब बात कर रहे हैं यहाँ BC को भी कुछ मान लेते हैं, बी से सी एक लाइनिंग ले देते हैं। अब यहाँ से पानी की ज़रूरत नहीं है, एक ये त्रिभुज टाइप बन जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया, जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। BC को मान लेते हैं हम x, क्या मान लेते हैं हम x, इसको हम मान लिए बी से सी जो है x मान लिए। अब बात करते हैं छोटा वाला त्रिभुज ABC में, छोटा वाला त्रिभुज की बात करते हैं, क्या लगाएंगे? 10 थीटा लगाएंगे। अब कहेगा सर ये आप 10 थीटा क्यों लगा रहे हैं, हमको कर्ण की क्या जरूरत है बाबू, ये जो हाइपोटेनस है इससे मतलब नहीं है, लंब निकालना है, आधार से मतलब है, और लंब आधार से मतलब है। तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। लंब कितना है? तो लंब आपका AB है, टावर की ऊंचाई AB, और आधार हो जाएगा आपका BC। 10 थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री का ना कोण बना है, क्योंकि हम ABC में की बात कर रहे हैं। अब देखिए AB को माने हैं H, और यहाँ देखिए तो ध्यान से BC क्या माने हैं, BC ऊपर माने हैं X। 10 60 का मान होता है √3, बराबर में हो जाएगा H/x। यहाँ तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √3xh। समीकरण 1 हम क्या किए हैं बाबू, इसको मान लिए हैं एच। इतना तो आपको समझ में आया। एक बार और एच निकालेंगे, अब पूरा त्रिभुज का बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABD में पूरा त्रिभुज का बात करेंगे तो क्या होगा, 10 थीटा। लंब क्या है? लंब एच है। आधार क्या है? आधार बी से डी है। तो बी से डी जाने के लिए यहां से यहां तो हम x माने थे, और यहां से यहां 20 है, तो x प्लस 20
डायरेक्ट भर दिए हम क्या एक्स प्लस बीस। क्लियर। अब यहां देखिए हो जाएगा टेन थीटा का मान यहां 30 डिग्री है एक्स प्लस बीस, इसका मान कितना होता है टेन 30 का मान होता है 1/√3। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है ना तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, बड़ी शानदार ट्रिक बताए हैं, मोहब्बत हो जाएगी ऐसे ट्रिक से, इतना शानदार है। और वैसे शॉर्ट्स वीडियो भी है इसका, ठीक है। और ये हो जाएगा एच बाई एक्स प्लस 20, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, सिंपल ये भी है, क्या कर दीजिए गुणा, तो ये गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस बीस और इज इक्वल टू, ये गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा रूट थ्री एच, इधर बट्टा में भेज सकते हैं या हाँ रूट थ्री एच, ये ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर ये बात करें हम इसको बट्टा में भेज दें तो x प्लस बीस और बट्टा में रूट थ्री बराबर एच, समीकरण दो। आप थोड़ा देर के लिए बाबू सोचिए ना कि समीकरण एक में एच इतना है, आखिरकार ऊंचाई यही ना है, तो ऊंचाई इसके ए बी सी के लिए भी ऊंचाई उतना ही है और ए बी डी के लिए भी ऊंचाई वही है, तो दोनों ऊंचाई बराबर है ना, यानी कि एच बराबर क्या है एच, दोनों ऊंचाई बराबर है, तो पहले एच का मान है रूट थ्री बट्टा रूट थ्री एक्स और दूसरे एच की बात करें तो हो जाएगा एक्स प्लस बीस और बट्टा में रूट थ्री, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में तो तीन तरीका नौ, नौ का वर्गमूल तीन एक्स, इसके तिरछा में कुछ नहीं है तो छोड़ दो, ठीक। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ ध्यान से देखो तो एक जात को एक जगह भेजिएगा तो 3 माइनस एक्स ये हो जाएगा बराबर 20, ये हो जाएगा 2x बराबर 20, कटेगा तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10। एक्स का मान यानी कि सुनिएगा, ये जो बीच में नहर सागर जो भी बह रहा था यहाँ बी से सी, इसी को तो x माने, तो पता चल गया इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। अब हमको निकालना है ये टावर की लंबाई, तो ले जाके इस एक में भर दो, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है यहाँ पे रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एच, रूट थ्री और ये हो जाएगा एक्स बराबर एच, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, अच्छा से लिख दो, सीधा करके लिख दो तो हो जाएगा 10√3 बराबर एच। टावर की ऊंचाई भी निकल गई, अगर आपको ज़रूरत है तो ये नदी की चौड़ाई भी निकल गई, और एक तरफ था टावर और दूसरे तरफ से कोनो देख रहा था और उन्नयन कोण बना रहा था, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्वालिटी बढ़ा करके बहुत शानदार तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब जितना भी बाबू क्वेश्चन है ना, इसको समझने का एक ट्रिक समझिएगा, हमेशा दो ठो त्रिभुज बनेगा, हमेशा क्या बनेगा दो ठो ही त्रिभुज बनेगा, इसको रट लीजिए, एक ट्रिक समझिए, हमेशा दो ठो त्रिभुज बनेगा और हमेशा टेन थीटा ही लगेगा, हमेशा दो ठो त्रिभुज बनेगा और टेन थीटा। दो ठो त्रिभुज में क्या होगा कि एक हमेशा छोटा वाला लीजिएगा, कौन सा लीजिएगा एक छोटा वाला, और इसी से जुड़ा एक रहेगा ऐसे बड़ा वाला, तो आप गलती ना कीजिएगा, ये वाला मत लीजिएगा, पूरा लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाले दोनों का लंब सेम होना चाहिए, दोनों का लंब क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तब जाके आप इजी वे में क्वेश्चन बना देंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए मात्र दो ही ठो फिगर इसमें आएगा, एक आएगा ऐसे फिगर, एक ये फिगर आ सकता है, और दूसरा आएगा एक बार लंब को दो भाग में तोड़ेगा और एक बार इस आधार को दो भाग में। आपको करना क्या है कि एक बार ये वाला 90 डिग्री ऐसे छोटा वाला लेना है, एक बार पूरा लेना है, वैसे ही एक बार ये छोटा वाला 90 डिग्री लेना है और दूसरी बार में 90 डिग्री यही आना चाहिए और एक बड़ा वाला, बस यही दो, तो एक त्रिभुज का टेन थीटा लगा के निकलेगा और बड़ा वाला में भी टेन थीटा ही लगाइएगा, ये ट्रिक समझ लीजिए। अब यहाँ समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, कितना मीटर ऊंचा समझिएगा 7 मीटर, एक लाइनिंग खींच देते हैं, किस पर भवन रहेगा, आप तो जानते हैं ना कि भवन किस पर रहेगा, इस जमीन पर ही तो भवन रहेगा, ये है आपका भूमि, क्या है भूमि है, इस भूमि के 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर हो गया, यहीं तक 7 मीटर ऊंचा हो गया। आगे कह रहा है यहां समझिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर माने ऊपरी टॉप फ्लोर को कहते हैं, शिखर पर कुछ लगा हुआ है, एक केबल टावर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है एक टावर लगा हुआ है, यही समझिए कि ये टावर है, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है टावर लगा हुआ है। और आगे कह रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, टावर यहां समझिएगा,
टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यहां दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके पाद बिंदु से, यानी कि टावर का जो पैर यहीं पे ना लगा है, टावर यहीं से लगा, पैर का पाद बिंदु का मतलब ये नीचे वाला, और यहां से अवनमन कोण बना रहा है। तो अवनमन कोण कैसे बनता है? जब तुम नीचे देखोगे तो नीचे यहां देखोगे, क्या करोगे, नीचे देखोगे ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सीधा लाइन कर दें हम, सीधा तो कभी हो नहीं सकता है, हो गया ठीक। अब यहां समझिए, अवनमन कोण ऐसे सीधा लाइन पर यहां बनता है अवनमन कोण। नीचे देखोगे तो यहां पे, जैसे ही तुम किसी को नीचे देखोगे तो यहां कोण बनता है, यहां पे बनता है, ठीक है। तो यहां यहां समझ रहे हो ना, आपके मुंह पे कोण बनता है, ये जो है ना, ये स्मार्ट वाला चेहरा वही। तो ये वाला और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला 45 डिग्री होगा। एक और तरीका याद रखिए ना, मान लीजिए कि ऐसे कोण है, ऐसे बन गया, ऐसे और ऐसे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन बड़ा कोण है। ये वाला छोटा कोण है, ये पूरा बड़ा कोण है, तो छोटा वाला 45 डिग्री और बड़ा वाला 60 डिग्री, सिंपल है। अब क्या करना है यहाँ पे, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि टावर की ऊंचाई निकालिए, ये वाला ऊंचाई निकालना है, टावर कितना ऊंचा है, ए बी सी डी, ए डी निकालना है। कुछ मत करो, एक बार छोटा वाला निकालो, एक बार बड़ा वाला निकालो, आंसर आ जाएगा 10 थीटा के हिसाब से। सबसे पहले टावर की ऊंचाई को मान लो एच, इधर से लिखते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर x, इतना तो हो गया। अब हम जब ऊंचाई को h मानते हैं, x नहीं, h मानते हैं, क्योंकि h यानी ऊंचाई होता है ना, x क्या होता है। चलो अब बताओ, एक छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, 10 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 10 थीटा बराबर होता है लंब, लंब क्या है, ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जा रहा है ए बी सी। चलो कोई बात नहीं, कोई लगाओ उससे मतलब नहीं है, 10 थीटा में लंब हो जाएगा, ए से बी में लंब, ये तो एच है, तो एच और 7 है, यानी कि यहाँ पे एच प्लस 7, और आधार क्या है, आधार, आधार है आपका बी से सी, 10, बड़ा वाला के लिए तो 60 डिग्री, क्योंकि दो ही तो एंगल है, एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री, तो आप बताइए ना, बड़ा है ना, तो बड़ा 60 डिग्री लीजिएगा, और ये एच प्लस 7 और बट्टा में हो जाएगा बी से सी, 10 60 होता है √3 बराबर एच प्लस 7 और ये बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी सी √3 बराबर एच प्लस 7, इतना तो आप कर सकते हैं, चाहे तो इधर नीचे भी भेज सकते हैं, बी सी बराबर हो जाएगा एच प्लस 7 बट्टा √3, ये आपका बी सी निकल गया, नीचे वाला बी से सी। अब कुछ मत करो, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ बाबू, एक छोटा वाला त्रिभुज डी बी सी ले लो, डी बी सी में, ठीक है, 10 थीटा का ही फॉर्मूला लगाओ, 10 थीटा बराबर लंब, तो लंब यहाँ पे 7 है, आधार यहाँ पे बी सी है, इतना तो क्लियर हो ही गया। अब यहाँ देखो, 10 थीटा का मान कितना होता है, 10 थीटा का मान यहाँ दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री भर दिए, और ये 7 बट्टा में बी सी, 10 45 कितना होता है 1 होता है, और ये हो जाएगा 7 बट्टा में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी सी बराबर हो जाएगा 7, यानी बी सी कितना आया 7 सेंटीमीटर आया। अब डरिएगा मत कि सर ये पहले निकाले होते तो अच्छा होता, कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना, जो हो गया तो जाने दो। यहाँ देखिए, बी सी 7 है, समीकरण अगर एक की बात करें तो यहाँ बी सी इधर कितना दिया है 7 हो जाना चाहिए, तो यहाँ बी सी का मान ले जाके एक में भर दो, बी सी का मान समीकरण एक में भरने पर ये आप लिख लीजिएगा, और यहाँ भरेंगे 7 इसके जगह पे बराबर एच प्लस 7 और बट्टा में √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाए 7√3 बराबर एच प्लस 7, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये एच दोनों में से 7 मिला है ना कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ √3 - 1 एच, एच क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई, यहाँ पे देखिए तो टावर की ऊंचाई को एच माने, जो ऊपर भवन पर लगा होता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा टावर की ऊंचाई कितना हो जाए, ऊंचाई हो जाएगा 7√3 - 1। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या किए हैं बाबू, आप थोड़ा देर के लिए समझिए, एक छोटा वाला त्रिभुज निकाल लिए हैं, एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज निकाल लिए हैं, और उसके बाद से दोनों में हम तो यही ना एंगल लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद दोनों को इक्वल कर दिया, अब इक्वल करो यानी बराबर करो, अच्छा है देख लो कि किसका मान निकला है, ले जाकर उसमें भर दो। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी का मान, यानी कि जहाँ बी सी था, यहाँ पे बी सी था ना, यहाँ बी सी का मान हम 7 भरे, बी सी का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। तो हम देर क्यों करें, बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार है। बस अब फिगर को जो व्यक्ति बच्चा बाबू जो समझ गया, सोना मोना जो भी समझ गया, ठीक है, वो तो क्वेश्चन बना ही लेगा। बहुत शानदार है, यहाँ समझिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है समुद्र तल, समुद्र समझते हैं, मान लो कि ये समुद्र है, आज दिल है पानी पानी है, पूरा का पूरा समुद्र है, समुद्र का ये तल हो गया। इस समुद्र तल पर एक साइड की बात करें तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि हाउस के एक ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकाल लें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक है समुद्र तल, क्या है, मान लो कि ये नीचे का ये तल हो गया, ये पूरा का पूरा पानी, और यहाँ पे साइड में लाइट हाउस, समझते हो, आप कभी जाइएगा ना बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब बंदरों का जगह नहीं, सी पोर्ट, जैसे रेलवे को, रेल को रुकने के लिए रेलवे स्टेशन की जरूरत होती है ना, स्टेशन पर आकर रुकती है, उसी तरह पानी वाले जहाज को रुकने के लिए, ठीक है, जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो वहां मान लीजिए वहां एक टावर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, टावर। वो जानते हो टावर क्या करता है, देखते रहता है लाइट जला करके, आराम आराम से देखता है कौन जहाज कहां है। तो जो टावर था यहां पे ऐसे टावर हो गया, ठीक, समझिएगा। अब ये टावर था, सबसे पहले यहां एक जहाज थी, ये मान लो कि जहाज है, पहले इसको देखा, ऊपर से देखा है, अवनमन कोण बना रहा है ना, तो ऊपर से देखा, इसको पहले देखा, ठीक। उसके बाद से इसके पीछे भी एक जहाज थी, इसके पीछे भी एक जहाज, फिर उसको ऐसे देखा, समझ में आया, दोनों को देख लिया। अब बोला है कि भाई एक बार इसको देखा, इसी के पीछे थी, अरे वैसे तो बताओ कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या रही होगी, यानी ये वाला दूरी निकालना है, समझ में आया, ये वाला दूरी, ये नीचे चली गई जहाज, ठीक है, ये वाला दूरी निकालना है। एक जहाज यहाँ पे है और इसको थोड़ा मिटा दे, एक जहाज यहाँ पे है, तो ये जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। कुछ नहीं करो, देखो तो दो त्रिभुज बना है, यहीं से ना लाइट, ऐसा नहीं ना कि लाइट नीचे खसक के देखेगा, नहीं, यहीं से एक बार इसको देखा, फिर थोड़ा सा नीचे डाउन करके देखा, तो यहाँ भी एक जहाज थी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी थी। और ये टावर 75 मीटर ऊँचा है, ठीक, कितना मीटर, 75, और हमको बीच की दूरी नहीं पता है, तो इसको दूरी को क्या मान लेंगे, एक्स, नहीं मानिएगा तो भी कोई बात नहीं है, ए बी सी, ये पानी बना दें, ठीक है। अब आपको बस निकालना, तो बस ए बी, एक बार सी और इसको मान लेते हैं हम डी, एक बार ए बी डी निकाल लो, एक बार बड़ा वाला निकाल लो, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ जहाजों के बीच की दूरी को मान लेते हैं, एक जहाजों के बीच की दूरी को क्या मान लिया हम, x, माना कि छूट गया है ना जी, मानना है ना, तो माना कि हो गया x। अब बात करते हैं त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी। अब कहिएगा सर आप छोटा वाला क्यों ले रहे हैं, अरे आपकी मर्जी, आप भी ले सकते हैं, बड़ा वाला लीजिए, छोटा वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी की बात करें तो टेन थीटा का फॉर्मूला, हमेशा ये दो त्रिभुज में टेन थीटा ही लगता है, लंब बटा में आधार, ठीक है, छोटा वाला लंब क्या है, तो डायरेक्ट भर है लंब है 75 और आधार नहीं पता है, तो मान लेते हैं बी डी, इतना तो कन्फर्म है ना, बी डी। यहाँ देखिए टेन थीटा का मान कितना है, अब मामला छूट गया, एक एक यहाँ पे थीटा आपको दिया है, समझिएगा ध्यान से, एक थीटा 30 डिग्री और एक थीटा 45 डिग्री दिया है, वो अवनमन कोण बना है ना, तो पहले सीधा व्यक्ति देखता है, देखिए कोण कैसे बनता है, पहले समझिएगा, हमको ऐसे सीधा मेरा सर रहेगा एकदम, जब बोलेंगे उन्नयन कोण तो यहीं से सर को ऊपर करेंगे, तो मान लीजिए कि यहीं से अगर ऊपर कर रहे हैं ऐसे, तो यहां कोण बनेगा कि नहीं, अब यहां पे है, समझिएगा, ऐसे सामने देख रहे हैं और जैसे सामने एक लकीर खींच दीजिए, ठीक। अब जब हम ऊपर देखेंगे तो सामने वाला और ऊपर वाला में एक लकीर ऐसे आ जा रहा है, बीच में एक लकीर, नहीं समझते हो, लाइनिंग आ जा रहा है,
अब हम अवनमन कोण बना रहे हैं तो पहले सामने देखेंगे, उसके बाद से अगर नीचे देख रहे हैं तो बताओ सामने और ये नीचे में एक कोण बीच में बनेगा, उसी को अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जब एक बार ये बनेगा, समझिए, तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है, उसके बाद से एक पूरा वाला बनेगा, तो ये वाला पूरा वाला कोण, ठीक है, इस पूरा वाले कोण के बराबर होता है। तो यहाँ एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है, तो एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन होगा, यही ना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, नहीं तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये वाला आप दिमाग में रखिए ना कि ये वाला ज़्यादा होता है, जितना पास रहोगे ना किसी चीज़ उतना ज़्यादा एंगल यानी ऊपर सर करना पड़ेगा, कोण ज़्यादा बनेगा, बीच में फैलाव ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अब देखिए थीटा का मान एक भरिए 45 डिग्री, ठीक है, 75 बाई बी डी, इसका मान होता है 1 tan 45, 75 बाई बी सी, यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा 75 डिग्री, ये आपका बी सी निकल गया यहाँ से यहाँ, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना है बी डी से सी, यानी कि डी से सी यानी कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी। तो एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ये कभी गलती मत कीजिए कि ए डी सी ले लें, क्योंकि ये त्रिभुज संभव है ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 90 डिग्री वाला बनता है, एकदम यही बनता है समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, वही चीज है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब हो जाएगा 75, और आधार क्या होगा, तो बी से सी आधार है, तो यहाँ से यहाँ अभी ये बी से डी निकला है 75, तो यहाँ से यहाँ 75 और यहाँ से यहाँ एक्स, दोनों मिला के ना बी सी हुआ है, तो हो जाएगा 75 प्लस एक्स, इतना हो जाएगा, ठीक। टेन थीटा का मान 30 डिग्री, ये वही उतार दीजिएगा एज इट इज 75 प्लस एक्स, ठीक। अब यहाँ देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा 75/75 प्लस एक्स, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, तिरछा तिरछी गुणा को, ठीक है, 75 में इससे गुणा कीजिए, इसमें 1 से कीजिए, तो हो जाएगा 1 से तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे असर पड़ता है, एक जात को एक जगह भेजिए, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 75√3 माइनस 75 एक्स बराबर, ये दोनों में 75 कॉमन है, निकाल लीजिए √3 - 1, तो ये आप एक्स किसको माने हैं, जहाज़ों के बीच की दूरी, ये यही हो जाएगा, दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 75 × √3 - 1, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट एक ही बार में लीजिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा क्या कह रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन समझिए बाबू। यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि ये कौन से मशीन का फोटो बनाया है, लेकिन मशीन का फोटो नहीं है, समझिएगा ध्यान से, ठीक। मान लीजिए कि एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, समझिएगा थोड़ा देर के लिए, एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, थोड़ी देर बाद उड़ करके आगे चला गया, अपने आँख को गौर से समझिएगा बाबू, आँख को यहाँ समझना है, ठीक है, हम लोग आँख से देखते हैं ना, तो पहले गुब्बारा रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे देखेंगे, ऐसे देख रहे हैं, समझ में है, अगर उधर चला गया तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, यानी कि अगर मेरा आँख यहाँ पे है और गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है तो पहले हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक, और यही गुब्बारा उड़ करके यहाँ चला गया तो इसी को थोड़ा सा ऐसे देखेंगे। आप थोड़ा देर के लिए यहाँ सोचिएगा बाबू, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे आँखों द्वारा पहले सामने देखा जाता है, कहाँ देखा है, सामने, जब कोई बोले कि अरे वो देख गुब्बारा जा रहा है तो देन एंड देयर ऊपर सर करके पहला वाला को देखेंगे, और थोड़ी ही देर में हम अपने आँख को धीरे धीरे झुकाते झुकाते ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग ऐसे देखेंगे। तो बताइए यहाँ कुछ कोण बन रहा है, एक तो पहले ये सामने वाला में और इसमें पहला वाला में एक बड़ा कोण बन रहा है, ज़्यादा फैला है ना, ठीक, और ज़्यादा फैला है तो ये हमेशा बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद से जब कुछ दूर चला गया तो हम इसमें और इसमें देखो गैपिंग कम हो गया कि नहीं, थोड़ा देर के लिए समझिएगा, एक ये वाला कोण बना है और थोड़ा सा दूर चला गया तो ज़्यादा ऊपर सर नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, नीचे करके देंगे, अच्छा यही ना है, ठीक है, तो यहाँ कम कोण बन रहा है तो ये एक छोटा कोण बनेगा, क्या बनेगा, छोटा कोण। तो यहाँ पे वही बना है, एक बड़ा कोण बना है जो कि 60 डिग्री का है और एक छोटा कोण बना है जो कि
30 डिग्री का है और लड़का गुब्बारे को देख रहा है यहाँ से यहाँ, तो बोला गया है कि गुब्बारे के बीच की दूरी निकालें, इसके और इसके बीच में कितना का दूरी है। जबकि एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जमीन से, ये पूरा नीचे वाला जमीन पर, छोटू है जमीन पर खड़ा है लेकिन जमीन पर से नहीं देखेगा, देखेगा तो सर वाले हिस्से पर, ऐसा नहीं है कि जमीन पर सर रख के तब देखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जमीन पर नहीं, यहाँ छोटुआ देखेगा, ऊपर से ही देखेगा, यही छोटुआ देख रहा है, ठीक है। तो छोटुआ का कुछ हाइट है 1.2 मीटर, ये लंबा है छोटुआ, कितना लंबा है 1.2 मीटर। तो आप बताइए, जमीन से गुब्बारा है 88.2 मीटर, जमीन से गुब्बारा 88, और यहाँ से यहाँ तक तो छोटू हो गया, ठीक है। तो यही ना हाइट बच गया, उस जहाँ से देख रहा है तो ये वाला हाइट बच गया, तो 88.2 में से छोटू का हाइट घटा दो तो ये लंब निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, लंब। तो हम बात कर रहे हैं ए बी सी, सी इसको मानने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको सी मानते हैं, छोटू जहाँ पे वहाँ पे सी, यहाँ डी, यहाँ पे मानते हैं हम लोग ई, ठीक। एफ भी मान लो, जी भी मान लो, कुछ भी कहीं मान सकते हो, उससे मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से समझो, ठीक। सबसे पहले तो ये लंब निकाल लेते हैं, तो पूरा था 88.2, छोटू का हाइट घटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ वाला, देखिए यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं, पहले पूरा है ए से डी, पूरा हाइट कितना है जमीन से लेके एडी है 88.2। अगर हमको निकालना होगा सिर्फ ए बी, ए बी, तो पूरा 88.2 में से छोटू का हाइट कितना है 1.2, इधर छोटू का जितना हाइट है उधर सेम होगा, तो घटेगा तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 7, ये घटेगा तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 7, 87 होगा, सिर्फ कितना होगा 87 मीटर। ये वाला हाइट अब जो भी है ये घट के 87 मीटर हो जाएगा, इतना तो क्लियर हो गया। तो जब ए से बी 87, तो उतना ही ये भी होगा, ये वाला जो इसका भी नाम है जी, तो इसका एच दे देते हैं, एच और जी जो है वो भी उतने है, क्योंकि ये देखो दोनों का ऊंचाई बराबर है, अब गुब्बारा बस आगे बढ़ जा रहा है, जमीन से क्या बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ जा रहा है, तो ऊंचाई दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां देखिए, अब एक बार ये वाला त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ए बी सी वाला, ठीक है, और एक बार ये त्रिभुज इधर बन रहा है, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो अब बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, फॉर्मूला वही, टेन थीटा बराबर लंब, ए बी लंब है, आधार बी जी, नहीं बी जी नहीं, बी सी, इस त्रिभुज का बात करें ना ए बी सी में, ठीक है, तो बी सी हो जाएगा, टेन थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री है 30 डिग्री, और ए बी हमारा 87 और बी सी हमको नहीं पता है, इसका मान होता है 1/√3 87/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BC बराबर 87√3 BC हमारा ये निकल गया, ठीक। अगला बार में दूसरा देखते हैं, HGC इस त्रिभुज की बात करें, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है, तो त्रिभुज HGC में फिर वही 10 थीटा बराबर लंब बट्टा आधार हो जाएगा। अब बात करते हैं टेन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री, बड़ा वाला कितना है 60 डिग्री, लंब कितना होगा, तो लंब तो वही है ना, जो ये लंब होगा वो लंब ये भी होगा एच जी, तो ये हो जाएगा 87 और बट्टा आधार सी जी या जी सी, कितना हो जाएगा जी सी, अब जो भी हो जाए जी से सी। अब देखिए टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 87 बट्टा जी सी, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो हो जाएगा जी सी बराबर जी सी √3 बराबर 87, तो जी से सी हो जाएगा 87 बट्टा में √3, बस हो गया आंसर, ये आंसर नहीं हुआ। अब बता रहे आपको निकालना क्या है, गुब्बारे के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ कितना दूर है। अब मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ बीच की दूरी, तो ये वाला लाइन
और यहां से जी से बी से जी वाला लाइन, ये दोनों लाइन बराबर है कि नहीं? तो अगर हम बीजी निकाल लेते हैं तो उतना के बराबर ऊपर वाला होता है। आप जब भी एक ऐसे बनाते हैं कोई भी चतुर्भुज, तो ये क्या करते हैं, ये वाला अगर बराबर आता है तो ये दोनों आमने सामने वाला दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम बात करें तो पूरा अगर हमारे पास बी सी पता है, समझिएगा पूरा लाइन एक है जिसका नाम है बी सी और बीच में यहाँ जी है, तो आप बताइए अगर पूरा बी से लेके सी तक 10 मीटर है, थोड़ा देर के लिए हमको पता हो गया हो यहाँ से, समझिएगा कि ये वाला यहाँ से यहाँ हमको 2 मीटर है, पूरा बी से सी कितना है 10 और यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, तो ये वाला कितना होगा 8 मीटर, क्योंकि पूरा में से इसको हटा देंगे। वही काम यहाँ पर करना है, आपको बी सी पता है, पूरा पता है, सीजी पता है, जीसी या सीजी ये भी पता है, तो पूरा में से इसको घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि बीसी हमको निकालना क्या है, यहाँ पे गुब्बारों के बीच की दूरी, गुब्बारों के बीच की दूरी पूरा हो जाएगा बीसी में से, बी से सी में से सी जी या जी सी घटा दीजिए, ठीक है, पूरा में से इसको हटा दे रहे हैं। ये बी सी पूरा कितना है 87√3 और माइनस ये वाला है 87/√3, ठीक, ये कर लीजिए आप एलसीएम तो हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 87√। यहाँ देखिए कैसे होगा, इधर हम लिखते हैं यहाँ पे बटा एक मान के आप एलसीएम उगा लीजिएगा तो हो जाएगा √3 और इसमें भाग दीजिएगा तो 87√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 87 में 3 से गुणा कीजिए, 7 × 21 के एक हाथ में 2 बचा और ये हो जाएगा 8 × 24 = 25 = 26, 261 पूरा का पूरा बचेगा और माइनस ये हो जाएगा 87, ठीक है। ये समझ में आया कैसे, जब इसमें भाग दीजिएगा √3 में 1 से तो √3 ही बचेगा और √3 में ऊपर वाले से गुणा कीजिएगा तो 3 में 3 से 3 तरीका 9 रूट में, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3 में 87 से गुणा कर दिए। अब ये 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 15 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है 7 बचेगा और ये आपका हो जाएगा 1 और बट्टा में √3। अब इसका पर में नीचे जब भी रूट होता है पर में करण करते हैं तो √3 और बट्टा में √3 ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 174 बट्टा में हो जाएगा 3, ठीक है, इसको कटा दीजिए 3 × 5 = 15 हो गया, यहाँ 15 निकल गया 17 में से तो 2 बचा और थे जगह यहाँ पे 3 × 8 = 24 58√3 मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिएगा। तो यही हो जाएगा आपका क्या, यहाँ क्या निकाला है गुब्बारों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ बोलो चाहे यहाँ से यहाँ बोलो गुब्बारों के बीच की दूरी 58√3 हो जाएगा। हम कुछ नहीं किए हैं, एक पूरा निकाल दिए हैं ऐसे और एक इसका निकाल दिए हैं ऐसे, ठीक, उसके बाद से दोनों में हमको बेस मिला, पूरा के बेस में से ये बेस को घटा दिए हैं और ये आंसर बच गया, और कुछ नहीं किए। देखिए एक बार ये बेस मिला है और एक बार ये बेस मिला है, पूरा में से इसको घटा दिए हैं आपका आंसर आ गया, बाकी सब लैंग्वेज और सेल्फ के हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, एक बार ना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से फोटो ले लीजिए, ठीक है, और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्वेश्चन का डायरेक्ट अर्थ समझिए कि क्या कह रहा है, राजमार्ग समझते हैं, राजमार्ग सड़क होता है, क्या होता है राज्यों को ऐड करने के लिए जो सड़क होता है उसे राजमार्ग कहते हैं। एक ऐसा राजमार्ग है, मतलब एक ऐसा सड़क है जो इधर से मान लीजिए कि जा रहा है लेकिन इधर एक घर है, एक क्या है बिल्डिंग है, समझिएगा ध्यान से। सपोज मान लीजिए कि इधर एक घर है, चलो मैंने एक यहाँ पे क्या बना दिया, एक यहाँ पे घर बना दिया, ऊंचाई वाला बहुत ऊंचा एक भवन है, ठीक, एक ऐसा रास्ता है जो डायरेक्ट जाता है और इस घर के पास रुक जाता है, समझ में, एक ऐसा रास्ता है जो मात्र ये घर तक ही गया है, ऊपर एक आदमी खड़ा है और सबसे पहले इस रोड है जो सड़क है उस सड़क पर देख रहा है कि यहाँ एक कार आ रही है, क्या आ रही है बाबू, कार आ रही है, तो थोड़ा हम कार बना देते हैं, हाँ ये आपकी कार आ रही है, हो गया, ठीक है। अब ये आदमी क्या करता है, इस कार को देखा, ठीक, कार को देखा, ऊपर से देख रहा है, समझिएगा ध्यान से, इधर कैसे देखेगा, यहां से देख रहा है कि अच्छा यहां कार आ रही है, थोड़ी देर बाद कार और आगे चली, तो अभी तो ऐसे देखा है लेकिन थोड़ी देर बाद आगे तो सर को थोड़ा सा अच्छा है यहां इतना नजदीक आ गई, तो देखिए वहां पे क्या होता है, पहले ऐसे देखा,
कार को। अब देखिए मान लीजिए पहले ऐसे देख रहा था, अगर गाड़ी चल के यहाँ पे आ जाए तो थोड़ा सा सर को नीचे करेगा ना। तो आप देखिए एक बना ये कोण, यहाँ कोण नहीं बनता है, सामने वाला बताए थे ना, कभी भी सामने वाला एक लाइन रहता है उसी के बीच में या तो नीचे बनेगा नहीं तो उन्नयन बनेगा, अवनमन। तो अवनमन बना है क्योंकि ये ऊपर से देख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा है, इसीलिए अवनमन कोण बना है। तो एक ये कोण बना ठीक, और फिर थोड़ा देर ऐसे हो गया है, झुक गया है और यहाँ नीचे हो गया है, तो क्या बना, एक ये कोण बना ठीक। आप बताइए कि जब ये पूरा एक कोण बना है ऐसे, तो बड़ा कोण बना है ना, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, और यहाँ यहाँ के बीच में छोटा कोण बना है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आया? तो एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो दोनों में आप खुद देखिए ना कौन ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये वाला है, तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ जो गाड़ी आई है तो आने में उसे 6 सेकेंड लगा है, कितना देर लगा है, 6 सेकेंड। तो बोला है कि फिर अगर यहाँ से अगर घर तक पहुँच जाए ठीक है, घर तक आ जाए तो कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया, यानी इसके बीच की दूरी पूछा गया। और यहां से लेकर के ऐसे कर देते हैं, 6 सेकेंड लगा है, 6 सेकेंड ए बी सी डी। तो आपको क्या करना है, कुछ मत करो ना, बस एक छोटा वाला त्रिभुज लो, एक बड़ा वाला त्रिभुज लो और आंसर आ जाएगा। बात करते हैं हम, सबसे पहले इसकी ऊंचाई को हम लोग एच मान लेते हैं, माना कि, माना इधर से लिखते हैं ठीक है, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार है ऊंचाई वाला चीज़ है, भवन है, मीनार है, कुछ भी है बस ऊंचा है, मीनार की ऊंचाई को क्या मानिएगा, एच मान लीजिए ठीक। जब मीनार की ऊंचाई एच मानी है तो त्रिभुज की बात करो छोटा वाला ए बी सी में, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। वही फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है ए बी, आधार, आधार क्या है बी सी है, बी से सी। यहाँ देखिए टेन थीटा का मान दिया है 60 डिग्री बराबर ए बी एच बटा में बी सी, बी सी को आप एक्स मान सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बराबर एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा एक्स। यहाँ देखिए तो टेन 60 का मान होता है रूट थ्री और ये एच बटा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स रूट थ्री एच, एच का मान एक ये आ गया ठीक, समीकरण एक इसको मान सकते हैं। अब दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज, कमेंट में बताइए कि बड़ा वाला त्रिभुज कौन हो सकता है, ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में डी क्यों नहीं आ रहा है जी, फिर वही टेन थीटा बराबर लंब, लंब तो वही रहेगा, आधार ना चेंज होगा, छोटा वाले के लिए आधार ये, अब बड़ा वाले के लिए बी से लेकर डी तक पूरा आधार, तो लंब हो जाएगा आपका ए बी, आधार आपका हो जाएगा बी डी। टेन थीटा का मान अब 30 डिग्री है, ए बी है एच और आधार आपका यहाँ देखिए ये और ये 6 सेकेंड दोनों मिला के ना बी डी हो रहा है, तो यहाँ देखिए तो यहाँ एक काम करते हैं हम, बी सी अब प्लस बी से सी आपका हो गया, तो यहाँ देखिए इसको आप क्या माने, एक्स माने हैं, क्या माने हैं आप एक्स, बी सी बराबर यहाँ पे माने हैं ना एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 6, कितना हो जाएगा एक्स प्लस 6। अब आगे यहाँ देखिएगा 10 30 का मान होता है 1/√3, इतना तो आप समझ में है h और बट्टा में x प्लस 6, तिरछा तिरछे गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और ये h/√3 ठीक है, h√3, इतना समझ में है, इसको बट्टा में भेज दीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस 6/√3 और बराबर में h। देखिए h यही ना ऊंचाई था, तो ऊंचाई तो दोनों के लिए बराबर है, समझ रहे हो ना, इसके लिए भी ए बी डी चाहे ए बी सी दोनों के लिए ऊंचाई बराबर है, जबकि यहाँ ऊंचाई बराबर कहाँ आया है दोनों का, तो बराबर हम जानते हैं कि ऊंचाई है, तो यानी h बराबर h समीकरण एक और दो से करोगे ये दोनों ऊंचाई बराबर है, एक ऊंचाई है x√3 और एक ऊंचाई हमेशा इसको बराबर कर दो x प्लस 6√3, तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है x है तो x बराबर में हो जाएगा x प्लस 6, ये एक जात को एक जगह कर दो तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6,
दो तिया छः एक्स बराबर तीन, और यही तो आप बीसी माने थे। अब क्या यहाँ से यहाँ जो बीसी है कितना देर में, देखो यहाँ से यहाँ जाने में गाड़ी को 6 सेकंड लगा है, तो फिर यहाँ से यहाँ जाएगी तो 3 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगी, इस पूरे के पूरे मीनार के पास पहुँच जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ आप ऊँचाई को, मीनार की ऊँचाई वैसे निकाल सकते हैं आप, ले जाके ये 3 यहाँ भर दीजिए, तो ये ले जाके भरेंगे तो 3√3 हो जाएगा मीनार की ऊँचाई। अगर आपको निकालना है तो लिख दीजिए मीनार की ऊँचाई और एच बराबर निकालना, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स का मान 3 भरिए, 3√3 आपका हो जाएगा। और यहाँ सी से यानी कि दूसरे जगह से यहाँ दोनों के बीच की दूरी 3 सेकंड में पहुँच जाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि इस चैप्टर का सफ़र अब ख़त्म होता है, यानी कि अब ये पूर्ण रूप से लेसन कंप्लीट होने वाला है। 9 लेसन जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है और सिद्ध करने वाला है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। पहले हम यहाँ पे अलग अलग कलर से बता रहे हैं ये क्यों लिखें, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। मीनार के आधार, मीनार का मतलब कोई भी ऊँचे चीज़ को मीनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनार। मान लीजिए कि मीनार हो गया, ये ऊंचा चीज मीनार हो गया, और ये मीनार कहां खड़ा रहेगा? हवा में तो नहीं खड़ा रहेगा ना, कहां पे खड़ा है? एक भूमि पर, ये जमीन हो गया। क्या हो गया? ये नीचे वाला जमीन, और इसके ऊपर एक मीनार हो गया। मीनार के आधार, मीनार के आधार यानी नीचे वाला हिस्सा, आधार यहाँ पे लिखा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा, यहां से सरल रेखा 4 मीटर की दूरी पर, यहां से कितना मीटर? 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर, और आधार से ही यहां से कितना मीटर? 9 मीटर की दूरी पर। समझिए, एक पूरा 9 मीटर लेना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितना? 4 मीटर। यहाँ पे की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर, फिर एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक। अब कह रहा है कि 2 बिंदु मीनार के शिखर, और यहाँ पे इस बिंदु से भी अगर कोण बनाएं ऊपर, उन्नयन कोण बोला है, नयन को ऊपर करें, या फिर इस बिंदु से ऐसे, किधर गया, एक यहाँ बना एक यहाँ बना, ठीक, उन्नयन कोण बनाए, तो दोनों कोण पूरक कोण होते हैं। यही बात है, यही तो मेन है बाबू। पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों को जोड़ा जाए तो 90 डिग्री आए, उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी ये कह रहा है कि अगर ये जो भी दोनों कोण बन रही है पूरक कोण, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए? 90। आप बताइए कि जब दोनों कोण को ऐसे है जोड़ने पर 90 आ जाए, अगर एक 30 डिग्री हो तो दूसरा कितना होगा कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए? तो आप दो एंगल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90। अगर पहला वाला पता हो गया कि ये 30 डिग्री है, तो ये निकालना हो तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 90 - 30 यानी कि कितना हो जाएगा? x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हमको एक पता चल जा रहा है कि कितना है, अगर ये 30 पता चल गया तो दूसरा 60 होगा, तभी तो 60 और 30 दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए? पूरक आ जाएगा। पूरक माने 90 डिग्री होता है, दो कोणों को जोड़ा जाए तो कितना आ जाए? 90। अब किए क्या है, अगर एक पता चल जा रहा है तो 90 में से उसको क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। अगर पहला वाला पता चल गया कि 30 है, दोनों को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए, पहला वाला 30 है, तो दूसरा वाला अगर निकाल रहे हैं तो 90 में से 30 घटा दे रहे हैं। तो अगर पहला वाला, हम तो नंबर अपने से ना मान रहे हैं, पहला वाला को ही अगर मान ले कि थीटा है, क्या है पहला वाला? थीटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 - थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। अगर ये 30 रहता तो यहाँ पे 30 लिखते, 90 में से 30 घटे तो ये 60 होता, ये 30 होता। तो इतना आपको जरूर समझ में आएगी ये कैसे लिखे हैं, ठीक है। बाद में बोला है कि तो साबित कीजिए कि अगर ये थीटा है, ये 90 - थीटा है, तो इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यही तो साबित करना है। तो चलिए एक बार हम लोग छोटा छोटा त्रिभुज को पढ़ते हैं, ABCD। पहले छोटा वाला लेते हैं, फिर बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं त्रिभुज साबित क्या करना है, टू प्रूव, इसी को बोलते हैं साबित करना। साबित करना है कि यहाँ पे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यही साबित करना है। चलिए बात करते हैं त्रिभुज ABC में, टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब है AB, आधार है BC, टेन थीटा का मान कितना दिया है? 90 - थीटा दिया है, यही ना दिया है, थीटा तो यही दिया है ना, थीटा ये पूरा लिए हैं, बराबर ABC के लिए लंब है आपका AB, लेकिन BC आधार दिया है आपका 4, ठीक। यहाँ आपको इतना ही छोड़ दीजिए,
एक काम करते हैं, ये टेन नब्बे माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है, याद है टेन टी को टी वाले में बदल, टेन नब्बे माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और बराबर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फोर सॉरी ए बी बटा में फोर। इसको मान लीजिए समीकरण एक कुछ देर के लिए, या तिरछा तिरछी गुणा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। यहाँ देखिए गुणा ही कर लेते हैं अच्छा रहेगा, एक गुणा करेंगे तो हो जाएगा फोर कॉट थीटा बराबर ए बी, समीकरण एक। अब बात करते हैं बड़ा वाला ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ये हो जाएगा टेन थीटा, वही टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। चलिए टेन थीटा का मान कितना है, तो थीटा ही है, थीटा का मान थीटा ही है, इसी के लिए तो बात कर रहा है ना। लंब कितना है, तो लंब आपका ए बी, आधार कितना है, तो पूरा बी से लेकर डी तक नाइन है। अब तिरछा तिरछी गुणा तो हो जाएगा नाइन टेन थीटा बराबर ए बी। लो भाई यहाँ ए बी कुछ अलग आया, यहाँ ए बी कुछ अलग आया, तो हमको निकालना क्या है कि साबित किए कि लंब कितना होना चाहिए, छः होना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम ये दोनों को कटाते हैं, समीकरण एक दो करके अगर ये दोनों हट जाएगा तो ए बी बचेगा ही नहीं, तो लंबे नहीं बचेगा, हमको ए बी को बचा के रखना है। क्या करना है, ए बी बचे तभी तो ए बी का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, समीकरण एक और इसको मानते हैं समीकरण दो, दोनों को गुणा करते हैं तो ये ए बी बच जाएगा, समीकरण एक गुणा समीकरण दो, ठीक है ऐसे करेंगे तो एक हो जाएगा फोर कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका समीकरण एक, यही ना होगा, अब ये हो जाएगा आपका। तो गुणा करने का तरीका पता है, एक तरफ वाले को एक तरफ गुणा करते हैं और एक तरफ वाले को एक तरफ गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा नाइन टेन थीटा, ये ए बी और ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। नंबर में नंबर से चार नौ चौका छत्तीस हो जाएगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है वन, कितना होता है वन, ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका छत्तीस बराबर ए बी स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजिए तो रूट हो जाएगा छत्तीस ए बी, ऐसा हो जाएगा छत्तीस का वर्गमूल छः, यानी कि ए बी बराबर छः। आप बताइए यही तो साबित करना था कि मीनार की ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक जो ए बी है क्या वो छः है, तो यहाँ साबित हो गया कि ए बी बराबर क्या है, छः, पी आर ओ बी ई डी, प्रूव्ड हो गया। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये पूर्णतः लेसन कंप्लीट हुआ, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर समझ में आया हो। अच्छा एक बात बताइए, शेयर करने में जा क्या रहा है, ठीक है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेसन में बहुत ही शानदार तरीके से, पहले बेसिक पर वार करेंगे, फिर क्वेश्चन पर वार करेंगे, और फिर दोनों मिला करके दिमाग में हम लोग आराम से बैठा लेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेसन यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।